नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और लगातार कवरेज दिखा रहे हैं कटेरी विधानसभा को लेकर। ऐसे में हमारे साथ में अंबेडकर नगर के, आप ये भी कह सकते हैं बाहुबली का टैग भी लगा हुआ है, अजय सिंह सिपाही जी। मैं बाहुबली क्यों कह रहा हूं, आगे की वीडियो में बात करेंगे तो आपके समझ में आएगा। कटेरी उपचुनाव में दावेदारी की बात की जाए तो आपकी दावेदारी काफी मजबूत बताई जा रही है। हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं, क्षेत्र में कवरेज हमारा चल रहा है, जहां जाते हैं आपकी चर्चा वहां सुनाई देती है कि इस बार अजय सिंह सिपाही को टिकट बीजेपी दे सकती है। ऐसे में आपके साथ में मौजूद है, हमने सोचा कि कुछ सवाल हैं जो हमारे मन में है, हम करना चाहेंगे, अगर आप नाराज ना हो तो। नाराजगी क्या बात, आप पूछिए, नाराजगी कोई बात नहीं। बाहुबली आपको कहा जाता है, बाहुबली की दिन की शुरुआत कैसे होती है? जनसेवा शुरू होती है, सुबह उठते हैं तो तमाम लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हैं, टेलीफोनिक अगर हैं घर पे मौजूद हैं तो सामने बैठ करके बातचीत करके लोगों को उनकी मदद की जाती है, मदद शुरुआत होती है लोगों को दिन की। जी, हम जब बात कर रहे थे आपके बारे में, जानकारी कर रहे थे, तो हमें ये भी बताया गया कि आप सुबह पूजा पाठ करते हैं, काफी धार्मिक हैं, कैसे क्या है? सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो अपने धर्म के लिए आदमी हर व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए, हर धर्म के लोगों को अपने धर्म के प्रति ईश्वर में आस्था है, थोड़ा ताकत मिलती है, बल मिलता है, ये पूजा पाठ करते हैं लोग। जी, बीजेपी से एक लंबी लिस्ट है, चर्चा आपकी भी है, क्या लग रहा है इस बार किसके पाले में जाएगा टिकट आप? हम तो अपने लिए मांग रहे हैं, हमको तो भाई लग रहा है कि हमको टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी, इसलिए चूंकि हम लोगों को चाहने वाले लोग बहुत हैं यहाँ की जो सम्मानित जनता में। कल कटेरी की बात नहीं करता हूँ, पूरे अम्बेडकर नगर जनपद में हर जगह अपने लोग हैं। मैं पहले भी एक इंटरव्यू में बोल चुका था, किसी के दिल में रहता हूँ, किसी के दिमाग में रहता हूँ, चाहने वालों के दिल में, ना चाहने वालों के दिमाग में, तो अपने आप में खुद ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, इसलिए इसी के दम पर, इसी के बेस पर ही हम टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। जैसे कि बताया भी जा रहा था, कई बार हमने देखा भी है, आपकी कई वीडियो वायरल भी रही है, धनंजय सिंह के साथ में आप देखे जाते हैं, रिश्ते हैं, हम लोग रिश्तेदार भी हैं, हम लोग का पारिवारिक संबंध है, तरीके से बड़े भाई हम लोग जैसे हैं, तो संबंध है, हम लोगों के मित्र भी हैं। जी, इस समय वो भी बीजेपी में, आप भी बीजेपी में? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यदि बीजेपी आपको यहाँ पर टिकट देती है, क्योंकि इससे पिछला चुनाव भी देखा जाए कटेरी में बीजेपी मात्र शायद 4-5 हज़ार वोटों का अंतर रहा था, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, इस बार अगर देखा जाए, समीकरण को समझा जाए, बीजेपी से आपको टिकट मिलता है तो एक समीकरण भी तय होता है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि कटेरी में गढ़ बताया जा रहा है बसपा और समाजवादी पार्टी का। देखिए, लोग जातिगत राजनीति करते हैं, चाहे सपा वाले हों चाहे बसपा वाले हों, मैं व्यक्तिगत रूप से जातिगत राजनीति नहीं करता हूँ, ना मैं क्षेत्र की राजनीति करता हूँ। मेरे पास बाहर के भी लोग लगातार आते हैं, अलग जिलों के भी, जहाँ मेरा राजनीति कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज, मैं दल की भी राजनीति नहीं करता, मेरे यहाँ आने वाला कोई एक आदमी ये नहीं बता सकता कि मैंने किसी की जात पूछी हो। पहले काम पूछता हूँ, उसके बाद दोबारा नाम पूछता हूँ, जिस लायक रहता हूँ मैं, चूंकि MP MLA तो नहीं, लेकिन जिस लायक रहता हूँ तुरंत पैरवी करता हूँ, लोग संतुष्ट होते हैं, उसी का परिणाम है कि हर जगह हमारी चर्चा हो रही है। तो जब हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो हर समीकरण टूटेगा यहाँ, आप देखिएगा, सपा बसपा का पता नहीं चलेगा, जमात में जब्त हो जाएगा। मेरा अपना टारगेट है कि 1,35,000 1,40,000 वोट में पाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी हमको। चलिए, अब जब आप कह रहे हैं तो कटेरी विधानसभा की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री जी की निगाह कटेरी पर और एक तरीके से आप कैसे नेतृत्व भी कर रहे हैं, क्या जीत कर, कटेरी जीत कर आप योगी जी को तोहफा देंगे? बिल्कुल देंगे, 100% देंगे, 100% देंगे। आपके बगल का जिला अयोध्या है जी, अयोध्या के विकास की अगर बात की जाए तो नो डाउट काफी ज्यादा विकास हुआ है, कटेरी से अगर आप बनते हैं विधायक तो किस तरीके से विकास होगा? जितना विकास और जगह 5-7 सालों में हुआ, उतना तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने 2 महीने में यहाँ उतनी सौगात दे दी कटेरी को, मतलब समझिए कि हमको लगता है कि चुनाव होते होते इतना काम करा देंगे जो इतना आने वाले 20-25 सालों में ना होता। तो डेवलपमेंट की, तो चूंकि माननीय मुख्यमंत्री खुद ईमानदार व्यक्ति हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, युवा हैं और उनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, खुद ही विकास पुरुष हैं, खुद जब
खुद प्रभार यहाँ लिए हुए हैं, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि यहाँ क्या होगा, कटेरी की जनता को क्या मिलेगा, कल्पना नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और भी कही जाती है, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा इधर आएंगे, इधर चल के बात करेंगे। एक बात कही जाती है कि आपका फोन तुरंत उठता है जी, वहीं जब बात होती है तो यहाँ के लोगों का कहना है कि नेताजी को फोन मिलाते रहते हैं, लगता नहीं है। और वहीं आपकी जब बात होती है लोगों का कहना है कि तुरंत भैया फोन उठाते हैं और सुनवाई भी होती है। हाँ, इसीलिए हम लोग लोकप्रिय है ना। हम लोग केवल चुनाव भर के लिए नहीं, चुनाव आ गया तो सबके दरवाजे जाना, सबको फोन करना है, सबको एंटरटेन करना है। और हम लोग दरअसल परमानेंट आदत हम लोगों की स्वभाव है कि हम किसी का फोन मिस नहीं करेंगे, मिस भी हो गया तो कॉल बैक जरूर करने की कोशिश करते हैं। उसका परिणाम है जब आप जनता के लिए लगे रहोगे तो तमाम जगह देखिए मिथक टूटे हैं। अब देख लीजिए यहाँ गोंडा विभूषण सनत सिंह जी को लिख लीजिए, जौनपुर अभी अब बात ही कर रहे धनंजय सिंह सांसद जी की, अभी देखिए पप्पू यादव जी बिहार में लोकसभा चुनाव जीत गए, लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र निर्दल जीत गए चुनाव। उधर आप चले जाइए राजस्थान में, तमाम 8-9 लोग निर्दलीय जीते हैं, एक नया लड़का वहाँ चुनाव जीत गया, भाजपा उसको टिकट नहीं दी थी, रविंद्र सिंह भाटी अध्यक्ष रहा जोधपुर यूनिवर्सिटी के। तो जब आप काम करोगे जनता में तो जनता धीरे धीरे पढ़ी लिखी बहुत समझदार है, धीरे धीरे मूव होती है, समझती चीजों को, यार हमको जरूरत किसकी है, कौन कौन हमारे साथ रह पाएगा परमानेंट। ऐसे में बीजेपी आपको मौका देती है तो आप दावा कर रहे हैं 1,40,000 के लगभग वोट आपको मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, 100% संभव दिख रहा है। हाँ संभव दिख रहा है, हम लोग पूरा कैलकुलेट करके रखे हुए हैं कैसे मिलेगा, कैसे कैसे होना, सब चीजें कैलकुलेट है। पूरे चुनाव तो चूंकि लड़ चुके हैं 2017 में, तो अनुभव भी है तमाम चीजों का, वो कैलकुलेट करके रखे हुए हम लोग। जैसे कि हम लोग कवरेज भी कर रहे थे तो यहाँ के लोगों का एक चीज और कहना था, किसी नए को मौका दिया जाए और ऐसे को मौका दिया जाए कि हमारे सुख दुख में पहुंच सके। जनता सोच रही है कि सुख दुख में नेता जरूर पहुंचे। हम तो पहुंचते हैं ना, आप पता करिए मेरे यहाँ, मैं अगर हूँ मेरे सामने समस्या यही है, इसीलिए यहाँ के कुछ नेता जो है उनकी अपनी जमीन तो है नहीं, वो पार्टी के दल पे दल के दम पे पार्टी के दम पे जाति के दम पे राजनीति करते हैं। जब मैं क्षेत्र में आता हूँ तो उनको लगता है कि यार इसको जल्दी जेल भेजवाओ, किसी तरीके से मुकदमे वांछित करवा दो, अगर यहाँ रहेगा तो 4 महीने, अभी आज ही कुछ लोग मिले प्रमोद जी आप तो 6 महीने 3 महीने रह जाएंगे सबकी राजनीति खत्म कर देंगे। हम कहे हम लोग यार राजनीति थोड़ा कर रहे हैं, सेवा भाव से लोग मदद करते हैं उसको, चाहे कोई आदमी राजनीति समझ ले या कुछ भी समझ ले, इसी का दुष्परिणाम भी हम लोग झेलते हैं। जो 37 मुकदमे की फेहरिस्त हो गई हम लोग ऊपर मुकदमों की, 37 मुकदमे हो गए। हाँ इसीलिए लगातार सभी इंटरव्यू में सुनाई दे रहा है 37 मुकदमे हो गए। मुकदमा कराने के पीछे कौन है? अब है यही के लोग हैं, हमने जिसके अंदर ताकत होगी, हर सरकार को एक ताकतवर आदमी रहता जिले में, वो हमारे पीछे हमको टारगेट कर लेता है, लग जाते हैं मुकदमे। अच्छा, हाँ यदि देखा जाए कटेरी को देखते हुए, कटेरी का चुनाव काफी ज्यादा टफ हो जाता है एक सवर्ण के लिए, बताया जाता है कि बैकवर्ड बहुल क्षेत्र है, तो कैसे ये मैनेजमेंट होगा? जब आप इस टाइप की राजनीति करेंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे, जातिगत करेंगे, तो ये समस्या आपको फेस करनी पड़ेगी। हमने आपको पहले बताया, आप क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, तो आपको तमाम जगह मालूम हुआ होगा। अभी यहीं इतने लोग हैं, पता कर लिए किसी कौन कौन जात के लोग मेरे साथ हैं, तो हम कभी जात धर्म के चक्कर में पड़े ही नहीं ना। यार इंसान है, अगर इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए, कोई 500 साल जीवन जीने के लिए यहाँ आया नहीं है, और ये रहता चलो यार कुछ अच्छा करो, लोग कम से कम न रहने के बाद भी याद करें, भाई किसी बापोती थोड़ो है धरती, जो आया 100% जाना, किसी को ये भी नहीं पता कब जाना है, जाना फिक्स भी है, तो अच्छा काम करिए, जनता की मदद करिए, चूंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है। हमको लगता है जितनी ज्यादा से ज्यादा दुआओं को आप बटोर पाइए, इकट्ठा कर पाइए, वो तभी संभव होगा जब आप किसी की मदद करेंगे। जबरदस्ती तो बटोरी नहीं जा सकती, जबरदस्ती छीनी नहीं जा सकती। इसलिए जब आपके इंटरव्यू ले आए थे हमें लग रहा है एक बाहुबली का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा काफी सरल व्यक्ति हैं आप। बाहुबली शब्द जो है मीडिया के बंधु दे दिए, प्रशासन दे दिया, लेकिन दरअसल होता है क्या है कि जब आप इसी आदमी को दूर से सुन करके, दूर से देख करके, उसके चरित्र के मामले बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसके संस्कार के बारे में आप आकलन नहीं कर सकते, जब आप उसके नज़दीक जाएंगे तभी आप उसकी स्थिति बता सकते हैं कि आदमी किस टाइप का है। तो दूर से बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हमको क्या करना है वो हमारे जहन में रहता है, वो अपना हम काम करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा इस चक्कर नहीं पड़ते कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है। ईश्वर की जो मर्जी होगी वो किया जाएगा, प्रयास किया जा तक लोगों मदद किया जाए ज्यादा से ज्यादा बस। क्या योगी जी का ये विधायक कटेरी विधानसभा का उपचुनाव जीतकर योगी जी को तोहफा देगा और कितने वोटों से चुनाव जीतेगा? बता रहा हूँ, ऐतिहासिक जीत होगी उत्तर प्रदेश में, एक ऐतिहासिक जीत में कटेरी का नाम रहेगा, क्योंकि कटेरी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सियल है। लोग बताते हैं कि यहाँ भाजपा केवल 90-91 में आदरणीय श्री रविंद्र तिवारी जी चुनाव जीते थे, उसके बाद कोई जीत नहीं पाया।
यहाँ बड़ी समस्या कटेरी की एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पद पाने के बाद लोग पैसे चक्कर में पड़ जाते हैं ज्यादा, पब्लिक कोई मतलब नहीं, पब्लिक से मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। जो ठीक ठाक कोई आदमी होगा जिसकी बड़ी हैसियत होगी उसके यहाँ निमंत्रण चले जाएंगे, उसके यहाँ सुख दुख चले जाएंगे, पता करिए कोई किसी के यहाँ जाना ही नहीं चाहता। तो जब हम लोग काम करेंगे अच्छा, सबको हमसे बहुत उम्मीदें, बहुत ज्यादा मुझसे उम्मीदें, इसलिए कि हम चार कदम चले हैं उनके लिए, तो चार कदम चले इसीलिए उम्मीद है। अगर हम चार कदम न चले होते तो उम्मीदें आदमी हमसे न करता। हम लोग इतना विवादित तो हैं, इतना ज्यादा क्योंकि विपक्षी इतना ज्यादा महिमा मंडित कर दिए हम लोग के खिलाफ, जो छवि समाज इतनी खराब कर दिए हैं, उसके बारे में अगर पब्लिक कह रही है तो आप उसका निष्कर्ष समझ लीजिए क्या होगा। मैं बता रहा हूँ आपको भाई साहब, लोगों को बूथ पे आदमी नहीं मिलेगा झंडा उठाने के लिए दूसरी पार्टियों को, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, आप देखिएगा। बड़ा चैलेंज कर रहे हैं, बहुत बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ। ये दबाव में नहीं, ये मोहब्बत में है, ये अपनी लोकप्रियता है, लोगों को चाहने का जो एक अनुपात है उसके हिसाब में बात कर रहा हूँ आपको मैं। ऐसे में आप लोग क्या सोच रहे हैं अजय सिंह सिपाही के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसे टिकट मिलना चाहिए कटेरी से ये भी बताइएगा, हम देखेंगे जनता क्या चाहती है। और बीजेपी की काफी लंबी लिस्ट है कटेरी विधानसभा के लिए, कटेरी विधानसभा के उपचुनाव के लिए, उसमें आपका भी नाम चर्चा में है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी आपके ऊपर विश्वास करें, आपको टिकट दें? बिल्कुल, हम अनुरोध करेंगे आपके चैनल माध्यम से, आप सर्वे कराइए भाई, उनको सीट जीतने से मतलब है, चाहिए भी जो आदमी ठीक है। आप एक बार मान लीजिए किसी गलत चेहरे को खड़ा करके मान लीजिए जीता ले गए, मान लीजिए हो जाता है, कभी कभी जाति उन्माद होता है, कोई समीकरण इसे बदलते हैं, कोई ऐसे वक्तव्य आता है, चीजें बदल जाती है। तमाम लोग 2017 की लहर में तमाम ऐसे लोग MLA हो गए जो कभी ग्राम पंचायत सदस्य नहीं हो सकते थे, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर चूंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ फोकस्ड हैं पूरी तरीके से, यहाँ प्रभारी हैं, तो मुझको लगता है चूंकि बगल के उनका मठ है तो यहाँ से कनेक्टिविटी उनकी हमेशा बनी रही है, उनको यहाँ पे भरोसा है, तो उस भरोसा को जनता भी उन पर भरोसा कर रही है। माननीय महाराज जी यहाँ प्रभारी हैं, सही चेहरा देंगे जिससे वो नेता विधायक बन करके हमेशा हमारे क्षेत्र में हमेशा परिस्थितियों में खड़ा रहे, हर परिस्थिति में। जैसे आप दावा कर रहे हैं, क्या समाजवादी का गढ़ समझ लिया जाए, क्या समाजवादी के गढ़ को आप डिफेंड कर पाएंगे? कभी कोई कुछ कोई गढ़ नहीं होता, जनता जिसको चाहती है उसको हीरो बना बताती है, हाँ इनका गढ़ हो गया, जिसको चाहती है उसको 2 मिनट खत्म कर देती है। देखिए 5-5 साल क्या परिवर्तन हो रहा है उत्तर प्रदेश। वैसे भी कटेरी की जनता के बारे में बात करें तो यहाँ की जनता खेला करती रहती है, तो इस बार क्या खेला करने वाली, कुछ नया करने वाली, वो देखा जाएगा। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी, हमारे साथ में थे बाहुबली नेता अजय सिंह सिपाही। जय हिंद।